सुशील कुमार मोदी जी को भी तो नेता मानने के लिए बीजेपी के लोग तैयार नहीं होते। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव जी की, ट्विटर बॉय हैं, अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो हम दो उंगली उठाएंगे आपके ऊपर। रुआ देख रहा बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। देखिए, जहां तक घर की बात है, घर के अंदर घुस करके किसी को भी राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, उस मुद्दे को नहीं लाना चाहिए। अगर आप हमारे घर में, हमारे पार्टी के नेता के घर के अंदर, चौखट के अंदर झांक कर राजनीति करेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। अगर आप एक उंगली उठाएंगे तो हम दो उंगली उठाएंगे आपके ऊपर, तब हम भी अपने विरोधियों के नेताओं के घर के चौखट के अंदर की खबरों को राजनीति में लाएंगे। हम नहीं चाहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी बड़े नेता हैं, लेकिन उनको राजनीति की गंभीरता, राजनीति विषय को समझना चाहिए। अगर हम लोग भी अगर उसी तरह आरोप लगाने लगे तो फिर उनके पास जवाब नहीं मिलेगा। हम नहीं चाहते हैं। जहां तक बात रही तेजस्वी यादव जी की, ट्विटर बॉय हैं और तेजस्वी यादव जी ऐसे मुद्दों पर, चमकी बुखार और बाढ़ में नहीं निकले, नहीं नज़र आए, तो मैं बता दूं कि आखिर तेजस्वी यादव जी से ये लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? अगर जब वो नहीं आते हैं और इतने नकारा हैं, तो इसी तेजस्वी यादव जी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में इन लोगों को धूल चटाया, झारखंड चुनाव में धूल चटाया। अब ये बताइए कि हम लोगों ने तो, तेजस्वी यादव जी तो बाढ़ जिस मोहल्ले में, आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने घर को बाढ़ से नहीं बचा सके, नाले के पानी में घर डूब गया और हाफ पैंट पहन करके रोड पर आ गए। अब वो क्या बात करेंगे तेजस्वी यादव जी की? तेजस्वी यादव जी ने तो झारखंड में बिहार विधानसभा के उपचुनाव में अपना झांकी दिखा दिया। असली फिल्म 2020 में बाकी है, वो भी हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव जी को लेकर के इनकी घबराहट ये बताती है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जी से, तेजस्वी यादव जी के बढ़ती लोकप्रियता से, तेजस्वी यादव जी की स्वीकारिता से, जो जनता के बीच में उनकी स्वीकारिता बढ़ रही है, इससे बीजेपी के बड़े नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी घबराए हुए हैं। देखिए, हमारे सहयोगी तेजस्वी यादव जी को नेता मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उनके कौन सहयोगी बीजेपी को नेता मानने के लिए, उनको नेता मानने के लिए तैयार हैं? सुशील कुमार मोदी जी को भी तो नेता मानने के लिए बीजेपी के लोग तैयार नहीं होते हैं। तो वो जो उनके यहाँ का बीमारी है, बीजेपी का, एनडीए का, वो बीमारी इधर ट्रांसफर नहीं करें। महागठबंधन में हमारे सभी सहयोगी दलों ने ये कहा है कि हम बैठ करके समय आने पर तय कर लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने ये तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव जी हमारा 2020 में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हमारे सभी सहयोगी दल समय आने पर इस पे तैयार हो जाएंगे, सभी सहयोगी दल के नेताओं ने कहा है। आखिर बीजेपी को अपना घर संभालना चाहिए, अपने घर में तो उनको कोई नेता नहीं मान रहा, अपने घर तो संभल नहीं रहा है। एनडीए में प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी जी कैसे उप मुख्यमंत्री बने, प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जेडीयू के उपाध्यक्ष, तो पहले वहाँ देखें, अपने घर, अपने गठबंधन की चिंता करें, आरजेडी के और महागठबंधन की चिंता ना करें। ये झारखंड के चुनाव का दर्द और पीड़ा ये बयां कर रहा है कि उनको तेजस्वी यादव जी का बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा है। देखिए, अब हम लोग तो शब्दों का मर्यादा नहीं तोड़ते हैं राजनीति में, लेकिन कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। गंदी नाली का कीड़ा और सभी राज्यों से जिस तरह से बीजेपी बाहर हो रही है, तो सड़ा गला सब्जी और फल को अगर लोग बाहर करते हैं तो ये सड़ा गला फल और सब्जी बीजेपी है, इसका मतलब।
हमको तो अभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल हम हैं, उपचुनाव में भी जनता का समर्थन मिला है और 2020 में तो अभी फैसला आना है। झारखंड में, महाराष्ट्र में, आपको बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार थी सब जगह पर तो जनता ने फेंक दिया, तो सड़ा गला कौन है? तो इसलिए इन लोगों की मानसिकता पर तरस आता है, दया आती है कि आखिर झारखंड चुनाव के झांकी से इतना ये लोग ठंड में परेशान हैं कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। अपना दल, अपने विभाग, अपने गठबंधन की चिंता करते तो कुछ बेहतर होता। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार बढ़ता जा रहा है, लोगों के बीच में लोकप्रियता हमारे नेता तेजस्वी यादव जी की बढ़ती जा रही है, इसलिए मंगल पांडे जी अपने विभाग के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, ऐसे ट्वीट करके, ऐसे शब्दों का चयन करके ये आप दिखा रहे हैं कि आपके झारखंड चुनाव के बाद मानसिक स्थिति आपकी गड़बड़ाई हुई है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।